यस, ये हमारे पास एग्जांपल वन। आपसे कह रहे ट्राइंगल दिया हुआ है, ये हमारे पास फिगर है ट्राइंगल एबीसी, और उसमें आपसे कह रहा है ए बी पे एक पॉइंट है डी और ए सी पे एक पॉइंट है ई, ये हमारे पास है। और हमसे कह रहा है डी रेस्पेक्टिव एंड इज पैरेलल टू बी सी, तो डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये भी हमारे पास है। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। अब जैसे ही हम आपसे कह रहे हैं कि लाइन पैरेलल है, तो लाइन पैरेलल होने से क्या होता है? हाँ भाई, अभी तक जो हमने पढ़ा है, इन ए ट्राइंगल इफ ए लाइन पैरेलल टू वन साइड तो इट डिवाइड्स अदर टू साइड इन द सेम रेशो रेशियो। तो हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है ए डी अपॉन डी बी। तो पहले तो प्रॉब्लम को ही समझेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। एंड ए अपॉन ई सी, ध्यान से देख लीजिए, हम इसको ऐसे भी कह सकते थे। अभी हमने क्या किया है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, एंड अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, बट रेशियो का डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। नीचे से भी ले सकते हैं कि नहीं सर, बी डी अपॉन डी ए, एंड सेम इधर से सी ई अपॉन ई ए, ये भी हो सकता है। बात दोनों की एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। बट इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटे, वो समझिए कि प्रॉब्लम यहाँ कहाँ आ गई। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सर हमें शो करना है ए डी, ए डी तो सर ए डी है ये, अपॉन ए बी, ए बी है सर होल पार्ट, ए ई अपर पार्ट एंड द होल पार्ट ए सी, तो ये रेशो आपसे कह रहा है यहाँ ये प्रॉब्लम है। अभी तक तो हमने सिर्फ ये किया था कि भाई रेशो जो टू पार्ट्स बन रहे हैं, टू सेगमेंट्स बन रहे हैं, अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट, उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये होल पार्ट कैसे आएगा? एक तो चीज ये है कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आप चेक करो, ये एग्जाम्पल वन है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री है। अगर आप चेक करेंगे तो क्वेश्चन में दो फिगर है, वो अलग बात है, लेकिन रेशो देख लो क्या प्रूव करना है। ए एम एंड ए बी होल पार्ट, एंड ए एन एंड होल पार्ट ए डी, तो इसमें भी वही वाला क्वेश्चन है कि भाई अपर पार्ट एंड होल पार्ट, अपर पार्ट एंड होल पार्ट का रेशो सेम करो। अब समझो होता क्या है, अब ये भी समझ लो। एक्चुअली होता क्या है, सब बच्चे प्लीज ध्यान से देख लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे कि बेटा ये बीपीटी का ही पार्ट है वैसे तो, कि अगर हमारे पास ये है कि ये हमारे पास ट्राइंगल है। सब बच्चे प्लीज ध्यान से देख लीजिए, कोशिश ऐसे करनी है कि मुझे ऐसे समझ में आए कि आज पढ़ने के बाद बोर्ड एग्जाम तक मेरे जहन में रहे। और अच्छी तो बात यह कि हमेशा जिंदगी के लिए जहन में रहे, कि जब चाहे पूछ लो। ये हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है, और हमारे पास क्या हो रहा है सर, हमारे पास ये लाइन है डी, और ये डी पैरेलल है बी सी के। तो जो मैंने अभी आपसे कहा, एक्चुअली सिक्स रेशोज बनते हैं बीपीटी के अकॉर्डिंग, ध्यान से देख लीजिए। एक रेशो तो ये हो सकता है कि सर ए डी अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, और एक रेशो हो सकता है ए अपॉन ई सी, ये हमारे पास। लेकिन सेकेंड हमारे पास क्या हो सकता है कि इसको हम रिवर्स ऑर्डर की तरफ से कर दें, नहीं सर बी डी अपॉन डी ए एंड सी ई अपॉन ई ए, ये हो गया सर सेकेंड। एक क्या हो सकता है बेटे कि आप सिर्फ कहें अपर पार्ट थर्ड ए डी एंड द होल साइड ए बी, जो हमें प्रूफ करना है, एंड द अपर पार्ट ए एंड द होल साइड ए सी, ये हो गया थर्ड। एंड रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस का मतलब द होल साइड ए बी एंड द अपर पार्ट ए डी एंड होल साइड ए सी एंड अपर पार्ट ए, तो ये हो गया फोर्थ टाइप ऑफ रेशियो। और एक ये हो सकता है कि नहीं सर लोअर पार्ट, जो हमारे पास लोअर सेगमेंट है फिफ्थ वाला, अगर हम कह दें कि भाई बी डी एंड होल साइड बी ए या ए बी जो भी आप कहिए, एंड नीचे वाला पार्ट सी ई एंड होल पार्ट सी ए, एंड इसका रेसिप्रोकल मतलब होल पार्ट ए बी एंड लोअर पार्ट डी बी, होल पार्ट ए सी एंड लोअर पार्ट ई सी। तो दीज आर द सिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशो अंडर वन थ्योरम बीपीटी। ये सब कुछ समझ में आ गया क्या कि मैंने रेशो कैसे लिखे हैं, बस ये बताओ। हाँ भाई, यस सब बच्चों को सर, रेशो समझ में आ गए, लिखा क्या है मैंने सर जी?
यस सर नो या दोबारा बताऊं? सर दोबारा बता दीजिए। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। किसने पूछा ये, दोबारा बताइए, किसने पूछा, नाम बताइए। अरे शर्माइए नहीं, बताओ। आओ देखो होता क्या है, हर चीज को प्रैक्टिकली समझा करो। सर ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसे क्यों नहीं हो जाएगा, तो इस तरह से समझोगे तो हमेशा जहन में रहेगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं बेटे, ये मेरे पास ट्रायंगल, ऐसे ऐसे मान लीजिए, और ये हमारे पास है ए बी और सी, और हमारे पास क्या है, अब मैं नाम पूछ रहा हूं तो डर जाते हो कि पता नहीं सर क्या कहेंगे। मुझे अच्छा लगता है जो बच्चा डाउट पूछता है। अब सारे नाम मत बता देना कि सर मैंने पूछा। दो आओ जी सर, देखो हमारे पास क्या है, ट्रायंगल एबीसी है, उसमें डी पैरेलल है बीसी के। ओके, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मान लो ये लाइन है बेटे हमारे पास, ठीक है, सपोज करो 3 सेंटीमीटर, और ये लाइन है सपोज करो हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपने इसमें पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। तो जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तो उसके सेगमेंट्स हो गए, तो सेगमेंट्स कैसे हुए कि भाई सेगमेंट्स हो गए सर ऐसे कि सर ये वाला रह गया 1 सेंटीमीटर और ये हो गया 2, और सर ये हो गया आपका 2 और ये हो गया सर 4। तो अब सबसे पहले तो बीपीटी क्या है, बीपीटी है इफ ए लाइन पैरेलल टू वन साइड इट डिवाइड्स अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। तो आप मुझे बताओ क्या एडी अपॉन डीबी 1/2 है या नहीं? Yes, AD, सिर्फ रेशो वैल्यू से, वैल्यू से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि 1/2 हो रहा है या 1/4 हो रहा है या 3/5 हो रहा है, मुझे नहीं मतलब, मुझे तो मतलब है कि रेशो सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो AD अपॉन DB जो रेशो है, सेम रेशो AE अपॉन EC है भाई, वो 2/4 है, 2/4 को अगर कैंसिल करूंगा तो वो भी 1/2 हो जाएगा। यस सर नो? यस सर। तो क्या कहोगे आप, आप कहोगे AD upon DB is equals to AE upon EC। तो एक तो रेशो हम ऐसे ले सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं क्या मैं इसी रेशो को बेटे ऐसे लिख दूं BD upon DA, यानी कि 2/1। तो अगर इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं तो क्या मैं CE upon EA भी लिख सकता हूं? यस सर। यानी कि 4/2। तो रेशो सेम है या नहीं भाई, ये रेशो 2/1 है तो ये रेशो भी 2/1 होगा या नहीं होगा? बताओ, बात समझ में आई? मतलब आप ऊपर से नीचे लिखो तब भी वही रेशो रहना है, नीचे से ऊपर लिखो तब भी रेशो वही रहना, तो दोनों का रेशो सेम रहेगा। तो ये दो पार्ट तो ये हो गए, लेकिन बेटे आप खुद बताओ कि मेरा AD अपॉन AB कितना रेशो है, अपर पार्ट एंड होल पार्ट? 1/3। यस, ये हमारे पास 3 था, ये हमारे पास 3 था, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास 3 है। तो अगर मैं AD अपॉन AB की बात कर रहा हूं तो रेशो आ रहा है 1/3, लेकिन जरा इधर देखना AE अपॉन AC कितना आ रहा है? 2/6 क्या होता है? 2/6 भी तो 1/3 होता है ना भाई। यस सर नो? तो क्या ये भी इक्वल हो जाएगा? यस सर, ये भी इक्वल। यस सर। तो सर ये भी इक्वल हो गया। अब जरा इनका रिवर्स देखना, रिवर्स, रिवर्स का मतलब द होल साइड ए बी एंड अपर पार्ट ए डी, द होल साइड ए सी एंड द अपर पार्ट ए। तो होल साइड है 3, अपर पार्ट है 1, होल साइड है 6, अपर पार्ट है 2। तो 6/2 3/1 होता है या नहीं होता? यस सर। तो ये हमारा हो गया 4th। अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा बता सकते हो आप? सर BD अपॉन लोअर पार्ट है ना भाई, अपॉन AB BD एंड द होल साइड AB। तो ये क्या होगा बेटे, 2/3, 2/3 और इधर देखना जरा क्या होगा, लोअर पार्ट क्या है EC एंड द होल पार्ट क्या है AC, AC क्या है 4, AC क्या है 6, तो 4/6 क्या होगा? 2/3। तो क्या ये भी इक्वल है? यस सर। तो इनके रेसिप्रोकल भी इक्वल होंगे, मतलब
होल साइड एंड लोअर साइड, होल साइड एंड लोअर साइड. अब बताओ ये छह रेशो समझ में आया या नहीं आया सब बच्चों के? यस सर. हाँ भाई, अब सबको समझ में आ गए? मतलब हमने क्या कहा है, अब मैं अगर वैसे नंबर्स में कहूं बेटे कि 1/2 इक्वल है बेटे 2/4 के, और 2/1 इक्वल है बेटे 4/2 के, ठीक है. दूसरा 1/3 इक्वल है बेटे 2/6 के, और 3/1 इक्वल है बेटे 6/2 के, एंड 2/3 इक्वल है बेटे 4/6 के, और 3/2 इक्वल है 6/4 के. बताओ या नहीं, ये छह रेशो हैं. अब समझ में आ गया सबको? हाँ भाई, अब तो समझ में आ गया ना ये? यस सर. तो ये रेशोज हैं बेटे. यस सर. तो हमें क्या मालूम है, ऊपर के दो तो हमें सबको पता है कि हम रेशो ऊपर से भी ले सकते हैं, रेशो नीचे से भी लिखते हैं, लेकिन ये होल साइड कैसे आती है ये नहीं पता. तो इसी को प्रूफ करा रहा. होल साइड का मतलब क्या है? अब आप देखो जो हमारा पहला एग्जांपल है, अब हम उसी को ले लेते हैं कि भाई हमारा पहला एग्जांपल क्या है और वो कैसे आएगा. या पहले मैं उससे पहले कुछ आपको समझा देता हूँ. एक्चुअली होता क्या है, सब बच्चे प्लीज ध्यान से देखो, अगर आप इसको क्वेश्चन में यूज कर लोगे तो अपना आप काम चल जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा करना क्या है. ये सपोज करो मेरे पास ट्राइंगल है बेटे, सब बच्चे प्लीज ध्यान से ये लाइन समझ लोगे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. और फर्स्ट टाइम जब आप किसी क्वेश्चन को करो उसे आराम से टाइम दो, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, एक एक चीज घुमा फिरा के सोचो कि ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, फिर वो जिंदगी भर के लिए आपके जहन में रहेगा. और अगर आप नहीं देंगे टाइम, आपने 5 मिनट में ऐसे ही कर लिया, तो हो सकता है जब भी आप पढ़ने बैठे वो हमेशा आपको प्रॉब्लम दे. हो सकता है पहले ही 5 मिनट में आपको समझ में आ जाए जिंदगी भर के लिए. तो मैं आपसे कह रहा हूँ DE पैरेलल टू BC है, प्लीज सब बच्चे ध्यान से देख लो. तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है DE पैरेलल टू BC, ये गिवन है. मान लो जैसे उसने कहा गिवन है, तो रेशो सेम AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. अब अगर मान लो मुझे AB चाहिए, सब बच्चे ध्यान से देखो, अगर मुझे इस रेशो में AB लाना है तो AB तो बहुत सिंपल है बेटे, AB तो बहुत आराम से आ जाएगा अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं. किसको प्लस कर दूं? AD प्लस DB. हाँ भाई, AD प्लस DB मिलके क्या हो जाएगा? AB. और AE और EC मिलके क्या हो जाएगा? AC. तो ये जो रेशो है ना बेटे, ये जो रेशो है AD और DB, सब बच्चे प्लीज थोड़ा सा जाग जाइए, ये जो रेशो है इनको मैं प्लस कर सकता हूँ बहुत इजीली. कैसे प्लस कर सकता हूँ ध्यान से देखो. एक्चुअली ये है इक्वेशन, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड. तो अगर इक्वेशन में मैं दोनों साइड कुछ करूं, दोनों साइड कुछ का मतलब कुछ प्लस कर दूं दोनों साइड, तो इक्वेशन सेम रहेगा. दोनों चाहे साइड सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इक्वेशन सेम रहेगा. मल्टीप्लाई सेम नंबर से कर दूं तब सेम रहेगा, डिवाइड सेम नंबर से कर दूं तब सेम रहेगा. अब मैं चाह रहा हूं कि AD में DB ऐड हो जाए, तो वह कब होगा? जब मैं यहां कुछ LCM लूंगा. अब जरा थोड़ा सा सोच के देखो, अगर मैं यहां 1 प्लस कर दूं, तो जब आप LCM लोगे बेटे तो LCM आएगा DB, और ये DB चला जाएगा ऊपर, तो क्या DB प्लस AD हो जाएगा? और अगर इधर भी मैं 1 प्लस कर दूं, मैं इधर भी 1 प्लस कर दूं, तो LCM आएगा EC, और EC यहां 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा AE प्लस EC. अब आप बताओ DB प्लस AD मिलके क्या हो गया? AB नीचे आ गया, DB ऊपर क्या आ गया? AC अपॉन EC. कुछ समझ में आया या नहीं आया? तो इससे क्या मिला? इससे मिला हमारे पास कि भाई होल पार्ट, AB का मतलब होल साइड. प्लीज सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, इससे मिला क्या? इससे मिला होल साइड, और होल साइड के साथ कौन सा वाला पार्ट आ रहा है? लोअर पार्ट DB, होल साइड AB एंड द DB, और इधर आ रहा है होल साइड AC एंड द लोअर पार्ट EC. इस तरह से हम AB और AC ला सकते हैं. अब यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली है, सब बच्चे ध्यान से सुन लीजिए. जब आप 1 प्लस करेंगे तो ऊपर तो दोनों का सम आएगा, तो जब सम आएगा तो ऊपर तो कंप्लीट साइड आ जाएगी, लेकिन बेटे जो नीचे होगा अपॉन में वो एज इट इज रहेगा. तो अगर मुझे लोअर पार्ट चाहिए DB, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, तो मुझे नीचे DB रखना है. लेकिन अगर मुझे AD चाहिए, होल साइड और AD चाहिए, सब बच्चे ध्यान से, तो इधर देखो, इधर ध्यान से, मैंने अभी क्या किया था, मैंने इसमें किया था, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से ये 1 हटा रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ बेटे, प्लीज सब बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, मैं अब इसको रेसिप्रोकल कर रहा हूँ.
रेसिप्रोकल कैसे कर रहा हूँ, मैं लिख लेता हूँ डी बी ऊपर लिख लेता हूँ और नीचे लिख लेता हूँ ए डी, और इधर मैं क्या कर लेता हूँ ई सी ऊपर लिख देता हूँ और ए ले लेता हूँ नीचे, रेशो का रिवर्स कर लिया। अब अगर मैं वन प्लस करूंगा दोनों साइड तो आप बताओ ऊपर क्या आएगा, ए डी प्लस डी बी क्या आएगा, ए बी, और नीचे कौन सा वाला पार्ट आएगा, ए डी, और इधर ए ई प्लस हो जाएगा तो ए ई प्लस ई सी क्या हो जाएगा, ए सी, अपॉन क्या AC. होगा ए ई। तो आप जरा रेशो के बारे में सोच के देखना आप क्या आया है, अब आया है होल साइड एंड अपर पार्ट, होल साइड एंड अपर पार्ट, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है बेटे जो भी अपॉन में रहेगा वो एज इट इज रहेगा, जो भी अपॉन में रहेगा वो एज इट इज रहेगा, ऊपर तो प्लस होना है, ऊपर क्या होना है प्लस होना है। आप जरा दोबारा से एक चीज समझो जो अभी आपकी बुक में नहीं है, दोबारा से समझो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं बेटे, थोड़ा सा ध्यान से, मैं आपसे क्या कह रहा हूं बेटे, मुझे सपोज करो क्वेश्चन में ही दे दे, सब बच्चे प्लीज ध्यान से, ये मेरे पास है ए बी सी और बेटे ये मेरे पास है पी क्यू, और आपसे कह रहा है कि सर ए बी ए बी ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन, ठीक है, ए क्यू अपॉन ए क्यू, ये हमें दिया हुआ है गिवन, और आपसे कह रहा प्रूफ करो, प्रूफ करो कि पी क्यू पैरेलल है बी सी के। सब बच्चे थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है बेटे कि सर ए बी होल साइड और अपर साइड ए पी एंड होल साइड ए सी एंड अपर साइड ए क्यू का रेशो सेम है सर, यहाँ माइनस वन कर देंगे। हाँ शाबाश, अगर इतना सोच सकते हो तो बहुत सी बात। तो हमसे क्या कह रहा है कि भाई पैरेलल प्रूव करना है, पी क्यू पैरेलल टू बी सी। अब हमें पता है अगर हमें लाइन पैरेलल करनी है तो हमारा तो रेशो आना चाहिए ए पी अपॉन पी बी एंड ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो मुझे क्या चाहिए, ध्यान से देखो, मेरे पास ए पी तो है इस रेशो में, लेकिन ए पी के साथ साथ पी बी लाना है, क्या लाना है, और मेरे पास ए क्यू है, ए क्यू के साथ साथ क्यू सी लाना है। तो अगर क्यू सी लाना है तो पहले हमें प्लस करना था ए बी को। अब जरा ध्यान से देखो, सब बच्चे जरा ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, अगर ए बी में से ए पी माइनस कर दूं, हाँ भाई ए बी में से ए बी ये है पूरा बिटे, इसमें से ए पी माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, बात समझ में आ रही है जो मैं बताना चाह रहा हूं, यस सर। ए बी जो है बेटे पूरी साइड है, ये पूरी साइड है ए बी, और इसमें से ऊपर वाला माइनस कर दूं तो नीचे वाला पार्ट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो माइनस कैसे, तो माइनस कैसे करोगे, माइनस ऐसे करोगे, हमारे पास है ए बी अपॉन ए पी और हमारे पास है ए सी अपॉन ए क्यू। ध्यान से देख लीजिए बेटे, अगर वन में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, प्लीज देखो मैंने वन में से माइनस किया है तो एलसीएम लेके क्या आएगा, एपी में से ए बी माइनस होगा या ए बी में से एपी माइनस होगा, एपी माइनस एबी माइनस हो जाएगा। हाँ एपी छोटा है जबकि, तो वन इधर नहीं, तो वन इधर नहीं लेना है, वन किधर ले लू, अगर बेटे में वन इधर ले, तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो समझनी होती, इधर भी बेटे में माइनस कर दू। अब जरा ले लो एलसीएम क्या आएगा बेटे, तो मेरे पास आएगा एपी और बेटे यहाँ क्या आएगा ए बी माइनस ए पी और यहाँ क्या आएगा बेटे ए क्यू और यहाँ क्या आएगा बेटे ए सी माइनस ए क्यू। अब आप खुद सोचिए, ए बी पूरी साइड है, उसमें से ऊपर वाला पोर्शन ए पी माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाला पोर्शन बचेगा पी बी, तो पी बी अपॉन ए पी, पी बी नीचे वाला, और हमारे पास क्या ए सी माइनस ए क्यू, ए क्यू क्यू सी बचेगा, क्यू सी अपॉन ए क्यू। बताओ सब बच्चों को समझ में आया क्या, थोड़ा सा देखो, yes. Yes, कहां, यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहां बेटे हमें प्लस करना है और कहां बेटे हमें माइनस करना है, और स्पेशली माइनस जब करेंगे तो वन किधर रखना है, लेफ्ट में रखना है, वन में से इक्वेशन को माइनस करना है या इक्वेशन में से वन माइनस करना है, ये ध्यान रखना है। समझ में आ गया,
यस सर। अब जरा एक चीज बताना, देखो कितने समझदार हो। अब बताना जरा ध्यान से, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मुझे दिया हुआ है, मुझे दिया है ए पी अपॉन ए बी एंड ए क्यू अपॉन ए सी। दोबारा से देख लीजिए हो क्या रहा है। ए पी, ए पी कौन सा वाला पार्ट है? ऊपर वाला, ऊपर वाला। और नीचे दिया हुआ है ए बी, ए बी कौन सा है? होल साइड, पूरा होल। अब मुझे, अब मेरे पास ए पी तो है, मुझे पी बी लाना है, तो पी बी कैसे आएगा? वन में से माइनस कर देंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए बेटे, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। आप में से कुछ कुछ बच्चे सोचना शुरू कर दिया है, मुझे अच्छा लग रहा है। बेटे अगर मैं इधर अब माइनस करूंगा तो ए पी में से ए बी माइनस होगा, लेकिन ए पी तो मेरा छोटा है और ए बी मेरा बड़ा है, तो ए पी में से ए बी कैसे माइनस करूंगा? अब वन माइनस इधर नहीं रखना है, अब माइनस किधर रखना है बेटे? अब माइनस इधर रखना है, लेफ्ट साइड, इधर वन में से माइनस करना है। अब आएगा ए बी माइनस ए पी। कुछ समझ में आया गया जो मैंने समझाने की कोशिश करी? यस यस सर। सब बच्चे कुछ समझ में आया? यस सर। वीडियो, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है बेटे, अगर सब टाइम आपको फील हो कि नहीं सर थोड़ा सा हल्का समझ में आ रहा है, तो इसी को एक एक दो दो बार देखा करो, इस वीडियो को। ये सारी मैं YouTube पे डाल देता हूँ, मेरे पास भी होती है, PDF में बना ही रहा होता हूँ। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो सारी बुक्स में से फिर इकट्ठे करके बताने पड़ते हैं, तो आपको अलग अलग जगह मिलेंगे, एक जगह नहीं मिलेंगे। NCERT में ये माइनस वाला मिलेगा ही नहीं। तो ये चीजें हैं कि हम कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, सीखा करो चीजों को, ट्राई किया करो, और अपने आप को कमजोर मत माना करो। ये सोचना कि मुझे नहीं समझ में आएगा, मैं बहुत स्लो लर्नर हूँ, ये बेटे गलत बात, ऐसा कोई बच्चा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले ने किसी को स्लो नहीं बनाया है, शौक बनाए हैं। हर आदमी के अपने इंटरेस्ट बनाए हैं, जो आपका इंटरेस्ट होगा उसमें आपकी स्पीड होगी, दूसरे में नहीं होगी। आओ जी सर देखो, अब यहाँ से हम छोटा सा अपना सीधा सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दो क्वेश्चन आपके रह रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, और इससे थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि ज्योमेट्री अटेम्प्ट कैसे करते हैं। फिर तो भागे तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया एंड वो तो सीधा क्वेश्चन से ही मिल जाता है कि हमें करना क्या है। चलो शाबाश, देखो आओ, यहां से ये हमारा प्रूफ है, एग्जांपल वन। जितना हमें आता है उतना तो हम डायरेक्टली लिख देंगे, और फिर जो हमें एक्स्ट्रा करना है वो हम देखेंगे कि हमें एक्स्ट्रा क्या करना है। यस बेटे देखो, सब जाग रहे हैं? यस सर। आइए शाबाश, आओ जी, चलो शाबाश। यस सर, वेरी गुड, आ जाओ, चलो शाबाश बेटे। फिर प्लीज वहीं पे ही कि भाई गिवन इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी की बात कर रहा है, और डी सोएब, बेटे म्यूट करो, जब तक बोलना ना हो म्यूट रखो, आपके पीछे से आवाज आ रही सोएब। थैंक यू, वेरी गुड। नहीं बेटे, सोएब भी हैं और सुहेब भी हैं, दो हैं हमारे पास। आइए, तो इन ट्रायंगल एबीसी डीई बेटे पैरेलल गिवन है बीसी के, ये गिवन। तो जैसे ही हमें गिवन मालूम हो गया, हम अपना पार्ट तो लिख ही सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। तो ये हमारे पास हो गया बाई बीपीटी। अब आप सब बच्चों को कहां देखना है, आप सबको ये देखना है बेटे। अच्छा, मैं इसको रिवर्स में भी लिख सकता हूं तो आपकी एक लाइन बच जाएगी। क्या मतलब रिवर्स में क्या करना है कि जो मुझे प्रूफ करना था, मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे प्रूफ करना है, सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, मुझे जो प्रूफ करना है वो है ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी। ए डी अपॉन ए बी का क्या मतलब है सर, कि मुझे चाहिए अपर पार्ट और होल पार्ट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, जो मैंने रेशो लिखा है, जो मैंने रेशो लिखा है उसमें नीचे डी बी है, डी बी नीचे वाला पार्ट, लेकिन डीबी नीचे वाला पार्ट तो चाहिए नहीं, मुझे ऊपर वाला पार्ट चाहिए। तो
जो हम फाइनली प्लस करके करेंगे जो नीचे वाला पार्ट होता है वो ही बचेगा, तो इसको मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा db अपॉन ad इज इक्वल्स टू ec अपॉन a। अगर हमारे पास ये रेशो है ad अपॉन db तो उसका रेसिप्रोकल भी सेम होगा। पहली चीज, अब मैं इसके बाद में तीन स्टेप कम करूंगा। अब मैं वन ऐड कर दूं, वन प्लस db अपॉन ad एंड वन प्लस, और प्लस आप किधर भी करिए, लेफ्ट साइड करिए राइट साइड करिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। वन माइनस से फर्क पड़ता है कि वन में से माइनस कर रहे हो या रेशो में से वन माइनस कर रहे हो, प्लस आप किधर भी करो उससे। अब यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ए डी प्लस डी बी, यहां पे भी आ जाएगा ए प्लस ई सी। अच्छा ए डी प्लस डी बी क्या हो जाएगा भाई, AB. Yes. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा AB और AB upon AD और यहाँ हो जाएगा AC upon AD. AC upon AD. लेकिन क्या करना था, जो हमें प्रूफ करना था उसमें AD ऊपर है, ये हमारे पास AD ऊपर, इधर देखो इधर, तो फिर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा AD upon AB and AE अपॉन ए सी, ये हमारा प्रूव हो गया। ये बात थोड़ी बहुत समझ में आई या नहीं आई, सब बच्चे बताओ। यस सर। ठीक है, अब मैं थोड़े से स्टेप आपके लिए कम कर रहा हूं। कम क्या कर रहा हूं, जो मुझे चाहिए जिसको नीचे रखना है मैं पहले ही उसको अपॉन में ले लेता हूं, तो फिर आपकी एक लाइन बच जाएगी, एक या दो स्टेप तो बची जाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए, अगर ये याद रह जाए तो, मैं इन सबको हटा रहा हूं और मैं रेशो ही इसी तरह से लिखता हूं क्योंकि हमें पास जो अपॉन में होगा वो हमेशा एज इट इज रहेगा। सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, मुझे बताइए प्रूफ में कौन सा चाहिए, ए डी अपॉन ए बी चाहिए, है ना भाई? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, ध्यान से देख लीजिए, मुझे ए डी अपॉन में चाहिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू C upon A, क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे या नहीं? Yes, sir. By BPT. बेटे एक रेशो तो हम लेते हैं कि भाई ऊपर से नीचे, अब हम रेशो ले रहे हैं नीचे से ऊपर, तो क्या हम ये कर सकते हैं? Yes, sir. हमने हमने क्या किया, हमने लिखा BD upon DA and C upon EA, तो अब मुझे रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं डायरेक्ट कह सकता हूं वन प्लस कर दो, एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड, तो वन प्लस करो भाई, वन प्लस बी डी अपॉन ए डी, वन प्लस सी अपॉन ए। आप एलसीएम लेके दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ए डी प्लस बी डी इज ए बी एंड ए प्लस सी इज ए सी डायरेक्ट, बट मैं लिख रहा हूं भी ए डी प्लस बी डी अपॉन ए डी एंड ए प्लस सी अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा बेटे ए बी अपॉन ए डी, और इधर क्या हो जाएगा बेटे ए सी अपॉन ए। लेकिन अब प्रूफ में ए डी ऊपर चाहिए तो रेसिप्रोकल कर लीजिए, सो ए डी को ऊपर लाइए, ए बी अपॉन आ जाएगा और ए ई अपॉन। बताओ सबको समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर, आगे सर, थोड़ा बहुत समझ में आया कुछ? यस सर। गुड, अब सारे बच्चे करेंगे खुद से, ये तो हमने कर लिया, अब सारे बच्चे खुद से करेंगे।